ये हम देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बुत नुमा चीजें बनी हुई हैं। ये जो है तमाम जो है वो सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ और वो जो जिसे कहते हैं हम गौतम बुद्ध, ये उसके मुराकबे का मंजर है। इधर नीचे देखें जरा, ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे, ये नीचे यहाँ पे ये कुछ अपना करता था ये। ये मुराकबे में होता था और वो फॉरकास्ट पहले बता देता था कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला और है, और ये उसके तमाम जो है ये मददगार थे लोग, ये उसकी मदद किया करते थे। अभी यहाँ पर ये कुछ सही हालत में है, वो कुछ निकले हुए हैं, ये थोड़ी थोड़ी सही हालत में है। इस पर छोड़ा हुआ है, ओपन छोड़ा हुआ है। ये सारे कमरे थे मेन स्तूप के इस गेट। अच्छा, ये सबसे बड़ा स्तूप यही है? ये सबसे बड़ा स्तूप है। इसके इर्द गिर्द के ये कमरे, इसके अंदर चलते हैं, ये हमें वेलकम कहता है। इस तरीके से ये सीढ़ियां बनी है, ये सीढ़ियां बनी है, और ये कमरे देख सकते हैं उस टाइम के कमरे। ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर चलते हैं, इधर से सीढ़ियों से ना चलें, इधर से देख लेते हैं। इसके इर्द गिर्द के कमरे, ये तमाम कमरे हैं, 2500 साल पुराने, सात बुत हैं, सात कमरे हैं जो यहाँ पर रहते थे मुसलसल। अभी भी लोग आते हैं यहाँ पर तवाफ करते हैं, टेंट की तरह का करते हैं, क्या करते हैं। ऊपर चले, राग जलाते थे वो, और कोयले रखते थे, कोयले रखते थे और इसके करीब करीब जो पानी होता था वो गर्म होता था, वो गर्म हो जाता था। इस स्विमिंग पूल में जो पानी आता था वो गर्म आ जाता था जी। ये शहजादियों के इनके अंदर कोयले जलाए जाते थे आज से 2500 साल पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पे मौजूद पानी उन कोयलों की हरारत की वजह से गर्म हो जाता था। पूरी का पूरा भूत निकला। अच्छा, निकल गया, ले गए होंगे वो। इसके ऊपर पहले शेड था, शेड था, और शेड से जब बारिश का पानी गिरता था ना तो इन खड्डों में पड़ता था, खड्डों में पड़ता था, ऊपर से अब शेड नहीं है, ये बोरे लगा के गिरे थे। पानी का ये पता होता है कि वो गिरता है ऐसे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों के यहाँ पे ये जो छोटे छोटे होल हुई हुई हैं इनमें, इसके ऊपर एक शेड लगा हुआ था जहाँ से कई सौ साल पानी गिरता रहा, और गिर गिर के वो इन प्याला नुमा शक्ल अख्तियार कर गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ।